ये मूवी समाज के लिए एक उपहार है। बहुत अच्छा लगा, बाबा का जीवन को अनुभव करने मिला आपको, बहुत बहुत अच्छा लगा मूवी। और बहुत अच्छा लगा और बाबा को वर्ड्स बहुत मोटिवेशनल था। 5 में से कितनी रेटिंग देंगे? 10। शांति, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इतने संकल्पों और इंतज़ार के बाद फाइनली सिलीगुड़ी शहर में होने जा रहा है स्क्रीनिंग द लाइट मूवी का, जिसके लिए हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। आइए जानते हैं सिलीगुड़ी वासियों से और सभी भाई बहनों से कि कितने एक्साइटेड हैं वो, उनका क्या कहना है। चलिए লঞ্চ করছে, কিন্তু যে আমাদের ভাগ্যে সে মানুষটা দাঁড়াবে বা আমরা দেখতে পারবো সেটা ভাবিনি, কিন্তু আজকে বাস্তবিকই বাবা আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে দেখাচ্ছে, এটাই সবচেয়ে বড় আনন্দ। আমরা সবাই উত্তরায়ণ থেকে এসেছি আর আমরা এই লাইভ মুভি দেখার জন্য খুবই এক্সাইটেড, কারণ কি ব্রহ্মকুমারীর থেকে পুরো পরিবার একসাথে মুভি দেখা এটা আমাদের জন্য খুবই সৌভাগ্য। আমাদের সাথে আমাদের খুবই মাতারাও আছে যারা খুব বেশি এক্সাইটেড, আর কিছু ছোটো বাচ্চারাও আছে যারা এই যে বসতে গেছে, আমরা সবাই মিলে এখন মুভি এনজয় করবো। শান্তি শান্তি এসছি ব্রহ্মকুমারী সুপ্রাম থেকে, আজকে বাবা সিনেমা দ্য লাইট HD অ্যানিমেশন দেখতে এসেছি, খুব এক্সাইটেড। এসে বাবার টিকিট সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, টিকিটের ছবিও আমি রেখে দিয়েছি যদি হারিয়ে তাড়িয়ে যায়, তাই জন্য তো আমি সঙ্গে আমার সঙ্গে আরও আমার বন্ধুরা এসছে সবাইকে নিয়ে এসেছি, আরও অনেককেই টিকিট পাইয়েও দিয়েছি যারা ছবি দেখতে আসছে। আর শিব বাবার এই ছবি দেখলে যারা দেখেননি চেষ্টা করবেন দেখার জন্য, কারণ এই ছবির মাধ্যম দিয়ে আপনার পরমপিতা পরমাত্মাকে চিনতে পারবেন, তিনি কী করে এই এখানে এসছে, এই পৃথিবীতে এসছে, লাস্টের কলিযুগের শেষে কীভাবে এসছে সেই হিস্ট্রিটা এই ফিল্মের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে। সবাই জানতে পারবেন যে শিব বাবা পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পিতা, আমরা আত্মা তার সন্তান। ওম শান্তি, শুক্রিয়া সবাইকে। ওম শান্তি। बाबा के जब से बने उसके बाद से उन्होंने बाहर का जो मूवी देखना बंद हो गया था, और बाबा ने कमाल किया है कि आज बाबा खुद हम लोग को मूवी दिखा रहा है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग सारे, पूरा लोग आ रहे हैं बाबा को मूवी देखने, किसी ने भी मिस नहीं किया है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति। मैं लाइव पिक्चर देखने आ रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अभी। शांति, चलिए सुनते हैं भाई जी से कि इनका क्या रिव्यू रहा द लाइट मूवी देखने के बाद। बहुत बढ़िया रहा,
वास्तव में शुरू शुरू में तो थोड़ा सा लगा कि क्योंकि 3D एनिमेशन था तो, लेकिन बाद में इसकी कहानी अपने लाइन में पकड़ ली जैसा देखे थे हम लोग सुने थे वैसे बहुत अच्छा लगा। भाई जी हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? अब यही तो कहें कि आ करके देखिए और उसके बाद से देख करके ज्ञान भी लीजिए, मुख्य तो यही है ना हमारा उद्देश्य। ये मूवी समाज के लिए एक उपहार है। सोल और बॉडी के बीच का जो हमारा उत्थान है उसको बताता है। हम समाज में रह करके किस तरह से नैतिकता के साथ अपने मूल्यों को आगे बढ़ा पाएँ, आध्यात्मिक की ओर बढ़ें, ये सारी शिक्षाएं इसमें हैं। और मानव जाति को एक उच्च स्तर तक ले जाने के लिए ये मूवी बहुत ही देखना बहुत इम्पोर्टेंट है सबको। आप एक वर्ड में ये मूवी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बहुत ही अच्छा है, हर एक को देखना चाहिए। अब क्या बोलना चाहेंगे मूवी देख के? अभी इसमें देख के अभी तो फर्स्ट अभी देख के लगा ये मैंने शांति को फैलाने के लिए शांति रखने के लिए क्या चीज़ करना पड़ेगा, क्या चीज़ के वर्मा बाबा मैंने कैसे स्थापित हुआ उसको थोड़ा ध्यान अच्छा लगा देख के। मैंने अभी मैंने पूरा पूरा महसूस हुआ है भगवान कहाँ पे है कहाँ नहीं है, थोड़ा देख के और अच्छा लगा, सुकून मिला मन को। आपको मूवी देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मानव धर्म के प्रति जो बाबा जी का जो विचार है वो हम लोग के लिए उचित शब्द हमारे पास नहीं, शब्दहीन है। हम लोग तो सांसारिकता में लिप्त हैं, लेकिन उनका जो आशीर्वाद है, उनका जो मार्गदर्शन है इस संस्था के थ्रू सभी लोगों के बीच फैल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग भी कोशिश करते हैं यथासंभव उसका पालन करें और मानव की सेवा करें, अच्छाई लाएँ, दूसरों में बुराई ना ढूंढ कर उनमें अच्छाई ढूँढें, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, किसी में जो बुराई है उसको उन्होंने नहीं देखा, जो अच्छाई है उसको उन्होंने देखा। हमें भी इससे प्रेरणा मिलती है कि हम लोगों को भी चाहिए, कोई गलत हो सकता है लेकिन उसमें अच्छाई है, हमें उस अच्छाई को ढूंढना चाहिए। यही है, ये संदेश जो है हर आदमी के पास पहुंचना चाहिए। हम लोग तो बहुत हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं संस्था को जिन्होंने इस तरह का एनिमेटेड फिल्म बनाया और हृदय तक हम लोग के गया, वो बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये मौका दिया कि हम लोग आकर लाभान्वित हुए, बहुत प्रेरित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद आने के लिए। मूवी बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और एक एक ऐसा मूवी है ना कि जो हमारे समाज में जो चल रहा है वो बताया गया है, और ये परिवर्तन अगर हम अवेल करते हैं तो लाइफ एक्सीलेंट हो जाएगा। सिंपल है, समझने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करना है और पा लेना है और कुछ नहीं है। आप 5 में से कितने रेटिंग देंगे? 10। थैंक यू सो मच। ओम शांति दीदी, आपने अभी जैसे द लाइट मूवी देखा, यज्ञ की पूरी हिस्ट्री देखी, तो आपको कैसा अनुभव हुआ? बहुत अलौकिक अनुभूति हुई, क्योंकि आज तक तो हम सुनते आए हैं पर आज देखने को भी मिला कि सच में दादियों ने कितना कुछ किया इस यज्ञ के लिए। हमें अभी समझ में नहीं आता क्योंकि हमें तो बनी बनाई मिल गई, तो हमें लगता है कितना इजी है सेवा करना, कितना ब्रह्म कुमार इसके बारे में तो सभी जानते हैं, बहुत सेवाएं हो रही है, इतना नाम है, पर पहले कितना कुछ किया दादियों ने, ब्रह्मा बाबा ने कितना कुछ सहा, वो तो सब कुछ देखने को मिला। और शिक्षाएं भी मिले कि नहीं, कुछ भी परीक्षाएँ आ जाए पीछे नहीं जाना है, आगे ही जाना है, क्योंकि स्वयं परमात्मा का हाथ सिर पर है। तो बहुत 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 अच्छा लगा। आप एक वर्ड में मूवी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एक शब्द में अगर बोलेंगे तो पूरा ही मोटिवेशनल है, पूरा ही मोटिवेट है। मतलब एक एक जो भी था, एक एक जो चित्र बने हुए थे, जो भी हम देख रहे थे, एक एक जो लाइन्स पार हो रहे थे मूवी के, तो लग रहा था सब कुछ सीखने के लिए है, एक एक चीज़ अपने जीवन में धारण करने के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। मूवी नो डाउट बहुत अच्छी बनाई है। सत्य पथ में चलना ना, इट्स वंडरफुल फीलिंग, लेकिन हर कोई चल नहीं पाते हैं बिकॉज उनको सही रास्ता दिखाने वाले लोग मिलना मुश्किल होता है। मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है कि मधुशाला अलग अलग पथ बतलाते, सब राह पकड़ के चलता चल पा जाएगा मधुशाला। पथ बहुत हैं,
they all take you to the divine soul. And the movie was wonderful, बहुत सुंदर बनाया है. Thank you so much. आप इस movie को देख के अपने life में क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे? हम तो already बाबा के बच्चे हैं. ये मूवी को देख के ऐसा लगा कि इस मूवी को देखने के बाद किसी को भी 7 days कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. थैंक यू सो मच. आप कुछ बोलना चाहेंगे? ओम शांति. ये मूवी में सारा कुछ दिखा दिए कि परमात्मा, हम बोलते हैं भगवान, भगवान और परमात्मा में बहुत डिफरेंस है. परमात्मा एक ही है, बाकी सब देवी देवता हैं. जितने भी भाई बहनों के जितना हो सके, जितने बार हो सके ज़रूर देखना चाहिए. बहुत अच्छा है, मुझे तो रोना आ गया पिक्चर देख के, और बहुत अच्छा लगा. थैंक यू बाबा. अच्छा लगा बाबा का जीवन को अनुभव करने में मिला हमको. बहुत बहुत अच्छा लगा हमको बाबा के लाइफ का बारे में जानने को मिला, मतलब जो हम लोग कभी महसूस नहीं किए थे. दादी लोग को देख, दादी लोग के बारे में सब कुछ जानने को मिला. बहुत बहुत अच्छा. आप वन वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? स्पीचलेस. 7 days कोर्स जब हम कर रहे थे ना, उस टाइम दीदी के पास जब बाबा का लाइफ मैं सुन रहा था, दैट टाइम आई थॉट देयर शुड बी अ फिल्म. फिल्म हो गया, फिल्म ही मैंने देखी. जब मुरौली में क्लास करता हूँ तो बल्कि तुम जैसे सोचोगे ऐसे आपका वर्ल्ड है. तो हम लोग जैसे सोचते हैं ऐसे ही सब कुछ होगा. हम जैसे सुबह सोचेंगे, इतना शांति से सोचेंगे कि वर्ल्ड सुंदर होगा और पीसफुल होगा. From this film, this is my message to the people, right? Thank you so much. आप one word में कैसे describe करेंगे the light? Light is so nice. Thank you so much, Bhai. Thank you. कैसे describe करोगे ये movie को? Movie बहुत अच्छा लगा और बाबा को words बहुत motivational था. Thank you so much. 5 में से कितने rating दोगे? 5 में 5. ओके. सबसे पहले तो एक ब्रह्मा कुमारी होने के नाते इस मूवी में जो यज्ञ हिस्ट्री दिखाया गया है, जिस हिस्ट्री ने हम कन्याओं को प्रेरित किया है कि हम भी सर्वस्व त्याग करके इस ईश्वरीय जीवन में अपना समर्पण करें, तो इतने अच्छे भावनाओं से जो इसको दिखाया गया, तो मैं तो कन्याओं को आज के दिन में ज़रूर स्पेशली ये बोलना चाहूँगी कि सब कुछ एक तरफ और परमात्मा से प्रेम एक तरफ, तो अपना जीवन सबसे अच्छी सेवा के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए ज़रूर अर्पण करें. ओम शांति. ओम शांति. दीदी आप वन वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे द लाइट को? इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग आई गिव सेइंग अचीवमेंट. मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. बहुत ही, मतलब कैसे इतना समय बीत गया पता ही नहीं चलता. इतना अच्छा लगा, मतलब पहले भी मुझे ऐसे लग रहा था कि ये कोई बहुत ही अच्छी चीज़ बनी. एग्जैक्टली द सेम वे नो, जैसे कि बाबा की जो ज्ञान है, जो स्टोरीज है, ब्रह्मा बाबा इतने सबको ही, मतलब वो बहुत ही इंस्पायरिंग है. कोई भी देखेगा ना तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा. मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. आप वन वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करेंगे द लाइट? अमेजिंग, एक्सट्रीमली यूनिक. हमारी प्यारी दीदी निमित बनी हमें इतना अच्छा मूवी दिखाने के लिए, तो हम दीदी से सुनना चाहेंगे कि उनकी द लाइट को हमें दिखाने की क्या जर्नी रही. ओम शांति. ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है कि द लाइट मूवी सच में लाइट ही है, क्योंकि इस मूवी में हमें अपने जीवन को कैसे लाइट बनाना है, खुद के जीवन रोशनियों से भरना है और हम औरों के जीवन भी खुशियों से भर दें, ये हमारी ब्रह्मा कुमारी का ये प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरत मूवी है, जो हम हमेशा कैसे इस वर्तमान समय में, इतनी टेंशन भरी समय में हम कैसे खुश रहे, यही मैसेज देते हैं. और हमें भी खुद को भी लगा था कि हम यज्ञ की शुरुआत में हम क्यों नहीं थे, लेकिन इस मूवी से हमें लगा सचमुच में हम भी उसी बाबा के साथ ही हम ड्रामा में पार्ट बजाया. इस मूवी से हमें ऐसा लगा, बहुत बहुत ही आनंद आया. तो इसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे? देखिए, हमने तो मेरे जो हमारे नॉर्थ बंगाल की जो बड़ी दीदी केसर दीदी जी ने ऑर्गेनाइज़ किया, बस मैं तो निमित्त थी और मेरे साथ हमारी जो पूरा टीम है वो सब ने सहयोग किया. हमें लगा ही नहीं कि हमने कुछ किया, क्योंकि हमें पता था कि हम तो सिर्फ निमित्त है. करण कराबन हार जो है वो निराकार सर्वशक्तिमान शिव बाबा है,
और उनके जो सारे बच्चे हमारे सेवादारी वॉलेंटियर्स उनकी पूरा सहयोग था, इसलिए हमें कुछ भारी नहीं हुआ। द लाइट मूवी में हमें और भी लाइट कर दिया। ये पिक्चर बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही ज़ोरदार है, बेसब्री से इंतजार था इस पिक्चर का। जैसे नाम है वैसी पिक्चर है, इसे देख के बहुत नए नए जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत जोर शोर से तैयारी थी इस पिक्चर की, आज पूरा हो गया। दीदी ने सक्सेस कर दिया, बाबा ने मिल के सपना। ओम शांति। ओम शांति। ये पिक्चर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। अपना अनुभव मैं बता नहीं सकती, इतना अच्छा लगा। आप लोग सबको देखिए, सबको ही अपना अनुभव शेयर कीजिए, सबको ही देख के अपना अनुभव शेयर कीजिए। बहुत बहुत अच्छा ही है। ओम शांति। ओम शांति। ये पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी। द लाइट मूवी जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। अब तक जो हम अंधेरे में रह रहे थे, ये मूवी देखने से हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। ओम शांति। डिस्क्राइब करना है। एक्सीलेंट। वन वर्ड में ये मूवी को डिस्क्राइब करना है। वन वर्ड में तो नहीं बोल पाएगा, बहुत अच्छा है मूवी। एक वर्ड में तो डिस्क्राइब नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा है। यंगर जनरेशन को देखना चाहिए, जो हाइप बना के रखा है कि भाई ये बस भगवान के बारे में, उससे किसी के बारे में वो नहीं है। अपने आप को भाई इतना केओटिक वर्ल्ड पे अपने को कैसे बेटर कर सकते हैं, वो सब चीज़ के बारे में तो देखना चाहिए और इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए सब। तो था बहुत अच्छा। इसे हमको ये लगता है कि बाबा का प्रत्यक्ष इस फिल्म से हो जाएगा, और कोने कोने में सब संदेश बाबा का जो बाबा ने बोला वो संदेश लास्ट में सब आ जाएगा। साधु संत महात्मा ये सब इस ज्ञान में आएगा, कोना कोना में मेरा संदेश पहुँच जाएगा। ऐसे करके बहुत खुश हो गए, सब लोग खुश हो गए, और हम लोग भी जगह जगह में दिखाना चाहते हैं ऐसा। अच्छा, अमेजिंग प्रकाश ही प्रकाश। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ज्ञान भी मिला, बहुत अच्छा लगा। बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब एक अक्षर में इस मूवी को क्या बोलना चाहेंगे, कैसा था? एक अक्षर में एक वर्ड बोलिए बस। मेरा बाबा। ओम शांति। हम लाग्यो इसमें सब हम ज्ञान में शिव बाबा को जीवन कहानी ब्रह्म बाबा कसरी प्रवेश करो तो सब हमें एकदम राम्रो लाग्यो। हमारे भाई बहनी 32 जना आए थे, उनीहरुलाई पनि यह पिक्चर हेरा एकदम संतुष्ट भयो, राम्रो लाग्यो। धन्यवाद। शांति। मैं बाबा का, बाबा मेरा। ओम शांति। आज जो ये पिक्चर देखे मुझे फीलिंग हुई है, ऐसे लग रहा है कि हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से और अनुभव कर सकते हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी भी देखिए ये पिक्चर को। थैंक यू। ओम शांति। आप वन वर्ड में ये मूवी को क्या बोलेंगे? बाबा मेरा, मैं बाबा का। बहुत अच्छा लगा। ओम शांति का जो मूवी हुआ तो बहुत अच्छा लगा। आप इस मूवी से क्या प्रेरणा लेते हैं? हम तो ऐसे ही बाबा की बच्चा है। तो जो बाबा बोलते हैं, जो बाबा का सिमर है, वही तो हमको तो समझ नहीं आ। मूवी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बहुत अच्छा। शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा मूवी देखने में, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ज्ञान बहुत अच्छा है, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है, बहुत खुशी आती है, बहुत मजा मस्ती आता है इसमें। एक लाइट है।